नमस्कार मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़ आज फिर हम एक नए लक्षण नई बीमारी के साथ में जो बहुत कॉमन है जी हाँ छाती में जकड़न होना छाती में जकड़न होना चाहे वो बच्चे के लिए बोला जाए या किसी व्यस्य के लिए बोला जाए एक बहुत आम बीमारी है एक बहुत आम लक्षण है जो इसके कई कारण हो सकते हैं जी हाँ अगर बच्चों में जकड़न होती है पेरेंट्स परेशान होते हैं माँ परेशान होती हैं डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं कभी घरेलू इलाज करती हैं छाती में तेल मल लेना उसके साथ में अगर खांसी आ रही तो उसका कारण क्या है अगर उसके साथ में उसको बुखार हो रहा है तो क्या कारण क्या है बदलते मौसम के साथ में अगर वो जकड़न हो रही है तो क्या वो एलर्जी की वजह से तो नहीं है क्या वो जकड़न साँस के लिए एक आपके सांस फूलने की एक निशानी तो नहीं है छाती में जकड़न का मुख्य काम होता है सांस की नली में सूजन हो जाना एलर्जी से होना विशेष मौसम में विशेष परिस्थिति में जा कर के अगर वो जकड़न हो रही है रात के सोते समय बच्चा एकदम से उठ रहा है या किसी को खांसी के साथ में जकड़न हो रही है तो हो सकता है वो आपकी सांस फूलने की निशानी हो खांसी आ रही है बुखार है हो सकता है वो निमोनिया की वजह से हो रही है अगर आप लेटे हैं आपको जकड़न महसूस हो रही है और फ़ौरन उठ के बैठ पा रहे हैं बैठ जा रहे हैं आप लेट नहीं पा रहे हैं पैरों में सूजन हो रही है तो हो सकता है आपको फ्लू ओवरलोड हो रहा हो उसकी वजह से चक्रण हो रही हो आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है या अगर यूरिन आउटपुट कम है पैरों में सूजन है चेहरे पे सूजन है उसके साथ में आप लेट नहीं पा रहे हैं छाती में चक्रण हो रही है खांसी या सांस फूल रही है तो आपको हो सकता है किडनी के विषय में कोई परेशानी हो अगर आपको बहुत कमजोरी है चेहरा पीला पड़ा हुआ है आपको बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही है कमजोरी बहुत लग रही है चलना भी मुश्किल है हो सकता है आपको एनीमिया हो गया हो प्रोटीन की कमी हो रही हो कुछ विटामिन की कमी हो रही हो अगर आपको खांसी आ रही है बुखार हो रहा है और बहुत तेज़ी से ठंडक के साथ में बुखार आ रहा है बलगम पीला है बलगम के साथ खून आ रहा है हो सकता है लंग से रिलेटेड आपको कुछ इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसकी वजह से आपको जकड़न लक्षण एक परेशानियाँ अनेक इसलिए कृपया करके आप किसी भी लक्षण के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर वो एक बार हो करके के ख़त्म हो रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी दवा की नहीं जरूरत होती है लेकिन हर लक्षण का इलाज आपके लिए एंटीबायोटिक हर लक्षण का इलाज इनहेलर या नेबलाइज़र हर लक्षण का इलाज आपके लिए नेबलाइज़र या पेन किलर नहीं है अगर आपको इस तरह की परेशानी है डॉक्टर से समझ करके क्योंकि ये लक्षण है बीमारी नहीं है अक्सर हम कुछ लक्षणों को बीमारी में सोच लेते हैं और एक बीमारी मान के बैठ जाते हैं लक्षण वो चीज़ होती है जो विभिन्न बीमारियों का एक स्वरूप है जो बीमारी के ऊपर इंकित करता है उसको डायरेक्ट करता है उसको बताने की कोशिश कर रहा है आपको ये बीमारी है उस लक्षण को किस तरह हो रहा है कैसे हो रहा है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए स्वयं सेल्फ मेडिकेशन ना करिए अब प्रश्न होता है कि अगर आपको जकड़न हो रही है बच्चों में जकड़न हो रही है या वैस को जकड़न हो रही है तो क्या करना चाहिए अगर जकड़न हो रही है आपको कुछ घरेलू इलाज से जैसे कुछ लोग तेल मलते हैं या कोई चीज़ दवा लेते हैं उससे अगर वो चीज़ काढ़ा पीते हैं उससे ठीक हो रही है तो आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक वो करते रहना बीमारी को झेलते रहना वो उचित नहीं है अगर आपके एक फैमिली में अक्सर लोगों को हो जाती है ये है है जकड़न इसका मतलब आपको एलर्जी हो रही है जकड़न का कारण कार एलर्जी है आपको ज़्यादातर मालूम है कि कुछ खाने के बाद बच्चों में विशेष कुछ खाने के बाद जो कलर आर्टिकल्स हैं या कुछ सॉस खाने के बाद वो खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है उसके बाद परेशानी हो रही है अगर कोई फ्यूम्स उड़ रही हैं कोई धुआं हो रहा है उसके बाद ये परेशानी जकड़न हो रही है कभी कभी बच्चों को खेलने की वजह से दौड़ने की वजह से जकड़न हो रही है इसका मतलब है आपको ब्रोंकोस्पै हो रहा है सांस फूल रही है और डॉक्टर के पास जाके अगर आपके पास इनहेलर्स पड़े हुए हैं आपके पास नेबुलइज़र पड़ा है और आपके पास पहले से मालूम है वो जकरन को उसको लेने के बाद आपको आराम मिल रहा है तो उसका आप उपयोग डॉक्टर के पास जाने से पहले कर सकते हैं नहीं तो अपने डॉक्टर से जा के उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए लोगों से शेयर करिए और नेक्स्ट एपिसोड का इलाज करिए कीप ऑन वॉचिंग योर फैमिली डॉक्टर्स थैंक यू